नमस्कार दोस्तों, रेडपेन होम्स ब्रोट वैली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो ये HPPWD का जो रेस्ट हाउस है उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की हम बात करेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये रेस्ट हाउस अभी HPPWD के अंडर है और अभी भी इस रेस्ट हाउस को बहुत अच्छे से मेनटेन रखा गया है। ये इसका एक्सटीरियर का व्यू है। एक्सटीरियर के व्यू में बहुत अच्छी आपको आगे ग्रीन जो घास है और एक बहुत बड़ा लॉन आपको देखने को मिलता है। सामने पाइन्स के आपको फॉरेस्ट दिखेंगे, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आपको दिखेगा। और इस बिल्डिंग का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखा गया है। और दोस्तों, ये बिल्डिंग जितनी भी इसकी प्लानिंग की गई थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, ये प्लानिंग की गई थी 1920 में जब शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था, तो ये उसी टाइम पर अंग्रेज़ों द्वारा इस बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था। और ये जो हम एंट्री कर रहे हैं, ये बैक साइड किचन एरिया से हम एंट्री कर रहे हैं। जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री में सीधा हमें डाइनिंग हॉल में हमारी एंट्री होती है। डाइनिंग हॉल में एंट्री करते एक अच्छी सी आपको वुडन की फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी। और ऑब्वियस है, डाइनिंग हॉल में है तो डाइनिंग के लिए आपको चेयर, कुर्सी, सोफ़ा सेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में दीवार अगर आप देखेंगे, इसकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं अभी न्यू पॉलिश हो रखा है और पॉलिश बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर जितना फर्नीचर है ये सारा नया लगाया गया, ये उस टाइम का फर्नीचर अभी नहीं अवेलेबल है। चाहे कर्टन हो, चाहे ये टेबल चेयर हो, ये सारी आपको नई देखने को मिलेंगी। तो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन रखा गया अभी के लिए। साथ में ये चिमनी जो बनाई गई, ये भी अंग्रेज़ों के टाइम की बनी पड़ी है। चिमनी के ऊपर आपको पराशर ऋषि जी का एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक फ़ोटो फ्रेम मिलेगी। साथ में एक और फ़ोटो फ्रेम लगा रखी है जो मंडी की, इंदिरा मार्केट की फ़ोटो फ्रेम है। और ये चिमनी में अभी भी आप आग यहाँ पे जला के, कभी आपका विजिट होता है तो आग जला के आप यहाँ पे आग का एंजॉय ले सकते हैं, ठंड के मौसम में खासकर। और दोस्तों, हम जो दीवारों की बात कर रहे थे, दीवारों में अभी भी आप देखिएगा जो लकड़ी यूज़ की गई है उस टाइम की, अभी भी ये लकड़ी मजबूत स्थिति में है और बहुत अच्छे से शाइन देती हैं। अभी इस पर पॉलिश कर रखा है तो पॉलिश में ये और भी सुंदर दिखती हैं। जिन लोगों को वुडन अगर पसंद है तो वो ऐसे अकोमोडेशन में स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप इस रेस्ट हाउस में बुकिंग चाहते हो तो हिम्मत अतिथि पोर्टल दे रखा है सरकार ने, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। ये इसका रूम नंबर 2 है। रूम नंबर 2 की सीधा ही एंट्री करते हुए आपको दो अच्छी सी आपको चेयर देखने को मिलेंगी, साथ में एक वुडन का टेबल। जो एक्सटीरियर की हम दीवार की बात कर रहे थे, दीवारों की कंडीशन यहाँ पर भी बिल्कुल सेम दिखेंगी आपको। एक सुंदर सा लोकल गांव का आपको राइट साइड में एक फ़ोटो फ्रेम दिखाई देगा। और अगर मैं बेड की कंडीशन बताऊं तो बेड बहुत बेसिक से बेड है यहां पे, कोई लग्जरी बेड या लग्जरी आपको बेड या फिर आपको इंटीरियर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बेडिंग की बात करें इन रूम्स की, तो बहुत बेसिक सी आपको मिलेंगी, चाहे वो मैट्रस हो, चाहे वो पिल्लो हो, चाहे बेडशीट हो, वो बेसिक सी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे। ये इसका वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम एरिया का जो डिज़ाइन है वो उसी टाइम का हो रखा है अंग्रेज़ों के टाइम का, चाहे मिरर हो, चाहे लाइटिंग हो, वो उसी टाइम की अभी भी उसी हिसाब से यूज़ हो रही हैं। इंग्लिश टॉयलेट शीट आपको यहाँ पर मिलेगी और ये भी सारी इंटीरियर वुडन का ही दे रखा है इन्होंने और पॉलिश यहाँ पे भी हो रखा है, तो नीट एंड क्लीन वॉशरूम आपको मिलेगा। जैसे हम बेड की बात कर रहे थे, बेड यहाँ पे बहुत बेसिक से लगा रखे हैं। आजकल जो जैसे गवर्नमेंट कहीं पे भी अगर आप किसी रेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस में जाते हैं, सेम उस कंडीशन पे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है हमें। अलमीरा आपको एक दिखेगी यहाँ पर, और अलमीरा का जो डिज़ाइन है या जो उसका लॉकिंग सिस्टम है वो उसी टाइम का है जैसे हमारे पहले के बुज़ुर्ग यूज़ किया करते थे। आप इसके लॉकिंग सिस्टम को देखेंगे तो देखिए, अभी भी जो पुराने टाइम के जो हमारे लॉक या जो लॉकिंग सिस्टम था उसी हिसाब से इसको रखा गया है। और ये अलमारी भी वुडन की है और ये भी पुरानी है उसी टाइम की। और देखिए, इसके जो बाहर का जो मेन डोर का जो ओपन करने का सिस्टम है वो भी पुराने टाइम का यूज़ हो रहा है। चाहे आप लॉकिंग सिस्टम की बात करें, अलमीरा की बात करें, उसी टाइम की ये यूज़ हो रही हैं। इस 200,000 रुपीज़ पर नाइट इस रूम की कॉस्ट आपको पड़ेगी। अगर अवेलेबिलिटी रहेगी तो हमें हिम्मत अतिथि पोर्टल से आप इसे बुक करवा सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेडपेन होम्स ब्रोट वैली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।